हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं? हेलो, तो आगे भी बढ़िया रहे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बात करने वाले न्यू अपडेट के बारे में, जो 19 तारीख को आज ही आने वाले, जो आज वीडियो देख रहे हैं, तो 19 तारीख को अपडेट होने वाला है। इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले, इस वीडियो में बात करेंगे। जो जो गन में चेंजेस किया है, डबल बैरल जो M1887 है उसमें चेंजेस किया गया है, और बहुत सारे अपडेट हैं उसमें चेंजेस किया है। तो वीडियो में एंड तक बने ही रहिएगा, और वीडियो को लाइक करिए सबसे पहले, और जब वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैप में देख लीजिए, जो रानो काठे लिस्ट हुआ में जो न्यू L3 3 L हो जाएगा, और मिल में एक चेंजेस होने वाला, जो कुछ कवर दे दे रहा है, वो जो पीछे से आते हैं ना उसमें कवर थोड़ा दे दे रहा, और मार्स इलेक्ट्रिक में बीच में कंटेनर दे रहा है, जो वीडियो में देख रहे हैं। तो एक बीच में जगह ऐड किया गया है, निक डोम नाम है, बरमुंडा में, रिमास्टर्ड नहीं है, बरमुंडा है, उसमें एडिट किया गया है, जो निक डॉम है ना वो एड किया गया, बीच में बरमुंडा राज रिमास्टर्ड में देखने को मिल जाता है। वैसा बगल में आपको आइकन देखने को मिल रहा है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड देखने को क्लास स्कोड हैंगर में देखने को मिल जा रहा है, हैंगर जो है ना न्यू क्लास स्कोड में एड हो जाएगा, तो मज़ा आने वाला है। क्लास स्कोड हैंगर आ रहा है, न्यू एड कर दिया एरिया, तो बहुत बढ़िया किया। और नेक्स्ट अपडेट के बारे में चलते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट रहने वाला आपका क्राफ्टलैंड के ऊपर। तो क्राफ्टलैंड में देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस किया गया, इसे देख सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए, देखने में तो आलू लग रहा है। यानी CS में भी ला रहा है कुछ, CS अपलाइन अल्पिन है ना, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, पता ही नहीं चलता क्या नाम है। और यहाँ पर जो सामने लिखा इसका नज़र आ रहा है, ये रहने वाला है आपका वेपन, जो रहने वाला M1873 गोली होगा, और एयर ड्रॉप में मिलेगा। यानी कहने का मतलब M1871 आने वाला है, और नॉर्मल दो गन मिलेगा, एयर ड्रॉप में तीन गोली वाला मिलेगा। और यहाँ पर SVDY आने वाला है, जो रहने वाला इसमें में ग्लोअल पेनिट्रेट करेगा, यानी ग्लोअल डैमेज ज़्यादा करेगा, और इसका थोड़ा एबिलिटी बढ़ा देगा SVDY में, और ये भी एयर ड्रॉप में मिलेगा, आपको नॉर्मल नहीं देखने को नहीं मिल सकता, हो सकता है। और न्यू वेपन अवेलेबल होने, जो चार्ज बूस्टर रहने वाला है, इसका एबिलिटी आगे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर गुरुजा का एक्स देख लीजिए, कि डैमेज इसमें बढ़ा रहा है गुरुजा, जो एक्स लेंगे तो उसमें। और इस वीडियो में मैंने वाई बताया था, जैसे ग्लोल पर डैमेज ज़्यादा करेगा, यानी ग्लोल जल्दी फोड़ देगा। और रहने वाला M24X, यानी रेट ऑफ फायर बढ़ा रहा है और डैमेज बढ़ा रहा है। तो गाइज M249 चलाने में बहुत मज़ा आएगा, उसका टिप्स एंड ट्रिक कहिएगा तो लाएंगे। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ज बूस्टर का एबिलिटी देख लीजिए क्या रहने वाला, किसी चार्ज बूस्टर नाम ही है, जैसे चार्ज करके यहाँ पर सामने मार रहे ना, एक बंदा गोली ख़त्म हो जाना, तो बोल रहे हैं कि, तो यहाँ पर बता रहे जैसे तीन गोली मारना पड़ेगा ऐसे मारने के लिए, और नॉर्मल चार्ज करके मारेंगे तो एक गोली काफ़ी है मारने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे चार्ज कर मारने की एबिलिटी, देखिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर चार्ज करके मारा बंदा, कितना डैमेज किया एक गोली में, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर चार्ज करके मारेंगे, ये गन बहुत ही ओपी रहने वाला, नहीं तो ऐसे तीन गोली मारना पड़ेगा। यानी पता चलता है कि फुट स्टेप, जैसे पहले आपको क्या करना होगा, इस गन का फुट स्टेप जानना होगा, इसका हम टिप्स एंड ट्रिक भी लाएंगे। तो गाइस चैनल पर अभी न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक भी आने वाला है और बहुत सारे वीडियो आएगा। तो चैनल को भी शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करिएगा तो मेरा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। तो सामने यहाँ पर देख लीजिए CS में एयर ड्रॉप आने वाला है, तो यहाँ पर बहुत ही वंडरफुल रहने वाला है यार एयर ड्रॉप आने वाला, लेकिन क्लासिक में रहने वाला है, रैंक में नहीं आएगा, नहीं तो भड़वा हो जाएगा पूरा, ऐसा कुछ नहीं रहना। और OP अपडेट आने वाला है और भी, तो वीडियो में एंड तक बने, बोर मत हो गया, क्योंकि वीडियो में मेरे को पता है कि बहुत लंबा हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए पेज अपडेटमेंट में क्या गया है, कि जोन जो है ना क्लासिक में फास्ट से श्रिंक करेगा 2x फास्ट से, यानी कितना जल्दी से होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी जोन निकलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और जो थंबनेल पे यहाँ पर देखे होंगे, जो न्यू पेड आने वाला है, ये रहने वाला है कुछ ऐसा एबिलिटी, जो पीछे से कोई बंदा जो इनेमी मारता है डैमेज करेगा, तो डैमेज कम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, पीछे से मारता है तो समझ गए, हेडशॉट भी कम लगेगा, ओके। और यहाँ पर स्कार में और ऑग में चेंजेस किया गया है, जो रहने वाला है डैमेज और इफेक्ट की रेंज बढ़ा रहा है, यानी बहुत मज़ा आने वाला है स्कार और चलाने में दोनों, ऑग और मैगजीन प्लस किया जा रहा है। जो न्यू गन है कुछ इसका नाम पता नहीं है, देख लीजिएगा नाम क्या है। और ट्रीटमेंट स्नाइपर है ना, उसमें एड किया गया है
एमएसटी डिस्को इनेमी के सामने वाले ओपोनेंट्स को मारेंगे तो डैमेज करेगा, एम पकड़ लेगा जल्दी। और एसएमजी शॉटगन में इफेक्टिव रेंज कम किया जा रहा है और एमोंट सेवन में भी कम किया जा रहा है, फर्क पड़ेगा। जिसको एमोंट सेवन जो चलाता है उसको फर्क पड़ेगा, मैं M10 चलाता हूँ तो गाइस मेरे को भी फर्क पड़ेगा। तो यही सारा अपडेट था। तो गाइस अभी वीडियो में ख़त्म नहीं हुआ, और कुछ थोड़ा सा अपडेट है जो सिस्टम में चेंज किया गया जो रहने वाला है आपका, क्या जो साउंड होता है ना इनमी स्पॉटेड, उसको अनम्यूट और म्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर सामने देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गन में कुछ रेट ऑफ फायर और गेस्ट दिखा रहा है, क्लोज रेंज MP40 में बता दे कितना क्या रहने वाला है। और यहाँ पर सामने रहने साउंड अनम्यूट और म्यूट कर सकते हैं, ऑल पर भी कर सकते हैं, शायद वैसा लग रहा है कि पबजी की तरह आ गया, पता नहीं कैसा रहने वाला है, तो देख लीजिए। और यहाँ पर न्यू साउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, ये रहने वाला लॉबी में आप जोन सा जो आपका अच्छा लगता है म्यूजिक लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो डायमंड रॉयल आने वाला है।